टू हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऐसा बोलकर जो बैंक नाली में अंडर पास में जो लिखा है म्यूनिसिपल का तरफ से, उस रिगार्डिंग में आपका क्या कहना है? मैं हाल ही में अरुणाचल फ्रंट आम से जो बैठक हुआ, बातचीत हुए, मैं शुरू में डे वन से मैंने तो यही कहा कि ये जो वेलकम टू हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट कमिश्नर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मैं सुना, मेयर साहब का भी सुना कि इन लोग का सोच क्या है, इच्छा क्या है। मैं डे वन से वही बोला था कि इस चीज़ को अगर ईटानगर को वेलकम टू हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट बनने का जो इच्छा है, तो मायर साहब का जो फर्ज है कि लिखित का तौर पे आप सरकार को दीजिए। सरकार कौन है? इलेक्टेड एमएलए है, लेजिस्लेचर है, सरकार में कैबिनेट लोग बैठा हुआ है, कैबिनेट अपना राय लेंगे कि क्या नाम देना है, कैसे देना है, वो ईटानगर को कैसे। चलो ठीक है, आप एक मायर साहब है, आप ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ करने के लिए, और दैट्स वो सब हम लोग एग्रीड हैं, लेकिन जो मन मर्जी ना ईटा को कल जाके ईटा वर्ड को भी चेंज कर देगा, उसको हिंदी बना देगा, और जैसे कि गंगा लेक को आप अपने हिसाब से उसको एक उधर का दिल्ली का एक नाम लगा, बॉम्बे का एक नाम लगाएंगे, ऐसे नहीं होता है सिस्टम। ये संविधान में लिखा सब कुछ, क्योंकि ये जो इटा वर्ड जो कैपिटल जो है ना, ये संविधान का ऊपर में चलता है। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है पार्लियामेंट असेंबली में पास किया जाता है। हम जो इच्छा करेगा ना, नहर लगन को नहा लिखो, इटा को ईटानगर को इटा, वो गलत हो जाएगा। आप जैसे कुछ कुछ जगह को, जैसे असमिस का असमिस थर्ड लैंग्वेज बोलता है, नागालैंड का नागालैंड नागामिस है, और नागालैंड में आप कोई जाइए उधर में जाकर देखिए कि उधर में वेलकम टू नागामिस गेट कहीं कहाँ लिखा है, असम में कहीं लिखा है क्या वेलकम टू असमिस गेट, वेलकम टू कैपिटल ऑफ असमिस लिखा है, वेलकम टू नागामिस कैपिटल ऑफ नागामिस कहाँ लिखा है? वो उदाहरण देने का वो चीज़ नहीं है। अगर आपको टूरिस्ट जो अट्रैक्ट करना है, तो आप कुछ कुछ हमारे यहाँ लोकल का नाम लगाए। ईटानगर हिंदी कैपिटल मीन्स क्या चीज़ है जानना है। हिंदी कैपिटल आप जो जहाँ से जो हिंदी अच्छा से जानता है, हमारे ईटानगर अरुणाचल से हिंदी नहीं हुआ है ना, हम जैसे तैसे सीखा है हिंदी को, हमें सिखाने वाला हमारा गुरुजी लोग सिखाता, जबरदस्ती करके टुकड़ा मुकड़ा हिंदी हिंदी हम लोग कहते हैं बोलता है कि इसको हम लोग अपना को जोक बना रहे हैं ना, हम हिंदी कैपिटल नहीं है। और कुछ कुछ चीज जो है, आप वहाँ का जो दिल्ली में जो बचने वाला को बोस्टिंग के लिए ये सब बोलने नहीं बोलने से ठीक है, हम तो यही बोलेगा कि वेलकम टू हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा बिल्कुल ये संविधान से बाहर है। और ना इसको अगर कैबिनेट में अगर लेकर आया, जो अगर पार्लियामेंट असेंबली में अगर जो पास हुआ, तो वो दिखाई है ईटानगर को आप होच पोच नहीं, मैंने आपने आप मन मर्जी से नहीं किया जा सकता है। आप मायर का ऊपर में जो हमारे यहाँ कॉपरेटर का ऊपर में पंचायत राज जिसने का ऊपर में सरकार बैठा हुआ है, आप लिखित का रूप में इन लोग को दीजिए और चर्चा करने दीजिए और कैबिनेट नोट में लाने दीजिए, तो हम चर्चा करेंगे। ये एक मायर बोला है, उसका पीछे हम लोग बोलेगा वो मजा लगता नहीं, और मायर कभी लॉ मेकर भी नहीं है, वो जानना है। तो सर, जैसे कि तामे पसंद सर जो मायर है, उन्होंने कहा भी था अगर किसी को सजेशन एडवाइस देना है तो वेलकम है ना, तो आपका हिसाब से हिंदी कैपिटल का जगह क्या लिखने से ठीक रहेगा, जस्ट आपका ओपिनियन? अगर टूरिस्ट एट्रैक्टिव के लिए अगर आप वेलकम टू हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर बनाया दिल से अगर बोलता है, तो आप एक हमारे यहाँ का इता क्या चीज था वो एक जोर के, जैसे हमारे निशी में जो बोलता है पोबे, पोबे मीन्स क्या है वो, ज्ञा जो
वो जो इता जहाँ में जो लगाया है उसको हम लोग पोवे कह जाता है, उसको आप जोड़ सकते हैं। तब तो इन लोग टूरिस्ट लोग ढूंढेंगे, अरे पोवे क्या चीज़ है, पोवे का मतलब क्या है, वो ढूंढेंगे। और वो जो 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 शब्द है हमारा यहाँ में जो लोकल जो शब्द है, हमारा गालो लोग, हमारा अपाटिनी लोग, हमारे निशी लोग, मोम्पा लोग, नोक्टे लोग, टंगसा लोग, जो जो अच्छा वर्ड है ना इसमें आप जुड़े ना, तो टूरिस्ट को ढूंढेगा ये क्या वर्ड है, उस वर्ड को देख के उस जगह में वो टूरिस्ट जाएंगे, वो बनाए ना वेलकम। तो क्या हिंदी कैपिटल हो, क्या चीज़ है, क्या मतलब है, उसे क्या एट्रैक्टिव होगा।